मैट्रिक्स मैट्रिसेस के अंदर हम बात कर रहे हैं और इसके कुछ लॉस टॉपिक्स हैं जिसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट ही एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज होंगे जिनसे आपको डील करना पड़ेगा। क्वेश्चन है जी, इफ एक मैट्रिक्स है यानी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये साइन जो होता है डिटरमिनेंट का 3, 2, x, 4 इज इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू, यानी यहां पे x की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए। डिटरमिनेंट 0 होने से मुराद क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आए उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए, अगर मुझे यहां पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे डिटरमिनेंट 0 है, तो सबसे पहली बात मुझे पता होना चाहिए कि 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया कैसे जाता है, जो किसके इक्वल होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी डायगनल है उसकी एंट्रीज का प्रोडक्ट लेते हैं। अगर वो 2x2 मैट्रिक्स है, यानी 2x2 मैट्रिक्स यानी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप प्राइमरी डायगनल का प्रोडक्ट लेते हैं एंट्रीज का 3x4 और इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंट्रीज ऑफ सेकेंडरी डायगनल जो कि है 2x, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इट मींस 12 इज इक्वल आ जाएगा 2x के इक्वल और x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल और x इज इक्वल टू 6, बिकॉज 2 इधर जाके डिवाइड होगा और 12 डिवाइड बाय 2 इज 6। तो इसका मतलब है हमारे पास जो b होगा, लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज b, सो b विल बी आवर आंसर। इस तरह से हम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट 2x2 मैट्रिक्स का किस तरह से लिया जाता है कि आप प्राइमरी डायगनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट में से माइनस करा देते हैं सेकेंडरी डायगनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट। इसी तरह से हमें एमसीक्यू ये भी आ सकता है जी कि एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और पूछा गया है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 2 के इक्वल है, -2 के इक्वल है, 0 के इक्वल है या 1 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यानी अगर हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद अगर हम प्रॉपर्टीज की कुछ बात कर लें, फिर हम माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेंगे, देन विल टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज दिस इज मोर रेलेवेंट टू मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। देखिए इस मैट्रिक्स को डायरेक्टली सॉल्व करना है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को, लेट सपोज अगर हम इसको जो हमारी पोजीशन A11 है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये पोजीशन है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, ठीक है, एंड देन इसको छोड़ दें, इस रो को भी छोड़ दें, इस कॉलम को भी छोड़ दें, टेक डिटरमिनेंट ऑफ दीज मैट्रिसेस, ठीक है, यानी टाइम्स 7, 4 एंड 3, 2, जबकि A11 की जगह आप यहां पे पुट करेंगे 42, ठीक है, बेसिकली आप 42 पुट करेंगे, देन फर्स्ट इज पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ठीक है, यानी ये फिर नेक्स्ट हमारी टर्म बन जाएगी नेगेटिव, जिसको हम माइनर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि प्लस सेकंड टर्म है 1 जो कि अब नेगेटिव में आएगी, यहां पे हम इसको पॉजिटिव साइन लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। ये बेसिकली जो माइनर हम स्टडी करते हैं तो -1 की पावर नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, तो अब यहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम 1+1 2 मीन के इवन वैल्यू थी नेगेटिव की तो पॉजिटिव होगी, यहां पे 1+2 इवन 1+2 विच इज एन ऑड नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव देगी, यहां पे फिर इवन, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से ये चीज चलती जाएगी। चले जी उसके बाद -1 एंड देन इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, 28, 4 एंड 14, 2 इसका जो है डिटरमिनेंट लेंगे आप 28, 4 एंड 14 एंड 2, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास +6 पॉजिटिव, उसके बाद आ जाएगा इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, इसका डिटरमिनेंट, जो कि देखें बड़ा लेंथी प्रोसेस है, हमारे पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। इफ यू नॉट प्लेइंग स्मार्टली, अगर आप स्मार्टली प्ले नहीं करें तो आपको इस तरह के सवाल बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस से वेल अवेयर है, ठीक है, अब व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि अगर दो मैट्रिसेस की कोई से दो कॉलम्स की एंट्रीज या कोई से दो रोज की एंट्रीज आपस में एक जैसी हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है।
तो अगर आप देखें, अगर मैं इसमें से कुछ चीज कॉमन ले लूं जो कि मुझे मैट्रिक्स अलाउ डिटर्मिनेंट अलाउ करता है, यहां से मैं 14 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये यानी फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 14 3s are 42, 14 2s are 28, 14 1s are 14, ठीक है, और 1 7 and 3 as it is. जबकि इस थर्ड कॉलम से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ठीक है, थर्ड कॉलम से अगर मैं 2 चले मजीद 2 कॉमन ले लूं, तो दिस एंट्री विल बिकम 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. तो अब अगर आप देखें इस मैट्रिक्स की 428 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, मीन के 3 2 1 फर्स्ट इसका कॉलम और इसका थर्ड कॉलम, ये क्या आपस में आइडेंटिकल है, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 0 इज गोइंग टू बी 0. वेरी सिंपल कि जब दो जब किसी मैट्रिसेस की कोई से दो कॉलम या कोई से दो रोज की जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट रिगरस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम डायरेक्टली इसको यू सॉल्व कर सकते हैं और हम आंसर 0 लिख सकते हैं. अब चूंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड बात शुरू कर दी है, अब इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं और कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं जो कि हमें इन सारी चीजों को सॉल्व करने में हेल्प आउट करती हैं. अब इसी तरह से हमारे पास एक और एमसीक्यू है जिसके अंदर ये एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स दिया गया है. देखिए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी 5 by 5 ऑर्डर का है, 5 rows and 5 कॉलम्स. देखिए आप इसके लिए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, इट्स गोना टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेगा. हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज के थ्रू चलते हैं, हम कहते हैं प्रॉपर्टीज से देख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई रो या कोई कॉलम आपस में आइडेंटिकल, जैसे 7 2 6 6 7 9 2 3 4 9, अभी अपेरेंटली तो मुझे यहां पे नहीं मिल रहा. चले 7 2 -3 1 9, 7 2 -3 1 9, वेल दैट मेक्स सेंस, ठीक है. अब देखिए फर्स्ट रो और फिफ्थ रो ये आपस में बिल्कुल आपस में क्या है, आइडेंटिकल है. तो हमने बात की थी डिटरमिनेंट के केस में अगर मैट्रिक्स की दो रोज आइडेंटिकल या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग वो एक रिग्रेस स्वेयर किस्म की जो डिटरमिनेंट लेने का प्रोसेस हम उस से करें, हम इस मेथड से कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज, और हम अपने आंसर तक अपने टाइम को सेव करते हुए पहुंच सकते हैं. एग्जामिनर यहां से वो स्मार्टली प्ले करता है कि वो एक बड़ा सा मैट्रिक्स दे देगा आपको और आप इसके साथ खेलते रहेंगे, डिटरमिनेंट इसका लेने की कोशिश करते रहेंगे. बट इफ यू स्मार्ट इनफ तो आप प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा. इस तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, एक एमसीक्यू है जिसमें एक मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट गिवन है और पूछा गया कि डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा. अब देखिए अपेरेंटली तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये इसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, हम सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन वो अगेन हमारा टाइम लेगा. एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है. अगेन वी हैव टू प्ले स्मार्टली. किस तरह से, हम देखते हैं कि हम जो मैट्रिसेस की जो जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं क्या उनको इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा शॉर्ट हैंड में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, या यहां पे मैं डिटरमिनेंट्स भी लिखना चाहिए मुझे बिकॉज हम पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, डिटरमिनेंट्स की. तो अब आप देखें मैं क्या करूं कि अगर मैं डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक कॉलम को किसी एक रो के दूसरे कॉलम या दूसरी रो में ऐड करता हूं तो इससे मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा. सो आई कैन से कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट में सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड करूं तो ये बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा मेरे पास 1 1 1 एंड देन एबीसी तो स्टे सेम, ठीक है, लेकिन ये बन जाएगा a+b+c, ये बन जाएगा a+b+c, ठीक है, ये भी बन जाएगा a+b+c, आप देख सकते हैं. अब अगर आप देखें अगर मैं a+b+c कॉमन ले लूं किसी एक कॉलम से, यानी कॉलम 3 से अगर मैं a+b कॉमन ले लूं, जो कि मैं ले सकता हूं, डिटरमिनेंट वुड स्टे सेम, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 1 1. तो जब ये देखें, जब ये डिटरमिनेंट लेने से कॉमन लेने से ये बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा 1. तो आप देख सकते हैं कि अब 1 1 1 एंड ये 1 1 1, तो मेरे पास फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया. तो लिहाजा मैं यहां पे कह सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0. अगेन देखें मुझे बड़े आराम से मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया कि इसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा. अब हम डायरेक्टली कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं विदाउट यू नो हैविंग दीज एमसीक्यूज, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करते हैं.
तो हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टेज सेम. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है, ये एक मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है. अब देखें अगर मैं कहता हूं जी कि रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, यानी अगर आप इसकी रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे उससे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी. या इसी तरह से अगर हम दो रोज के दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी इस रो को मैं इधर ले आता हूं, इस रो को मैं इधर ले आता हूं, तो जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हमें माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंपली. यानी अगर मैं ये वाला पूरा कॉलम, पूरे का पूरा कॉलम इधर लिख दूं और ये वाला सिंपल इंटरचेंज कर दूं, ये वाला पूरे का पूरा कॉलम इसकी जगह पे लिख दूं, तो मुझे इस मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसी तरह से व्हाट इज प्रॉपर्टी, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर इस पूरे मैट्रिक्स में कोई एक रो या एक कॉलम मुकम्मल जीरो हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल ये रो जो है पूरी की पूरी जीरो हो जाए, बाकी बेशक नॉन जीरो टर्म्स हों, ठीक है, या एंट्रीज हों, या ये पूरी जीरो हो जाए या ये वाली पूरी रो जीरो हो जाए, तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है. इसका मतलब है किसी एक रो या किसी एक कॉलम की एंट्रीज के जीरो होने पे डिटर्मिनेंट हमें जीरो वैल्यू देगा. या आइडेंटिकल पे हमने बात कर ली, कोई सी दो रोज या कोई सी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट हमें जीरो ही वैल्यू देगा. अगर हमें इस डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट टू से मल्टीप्लाई कराते हैं, फॉर एग्जांपल जो कांस्टेंट टू होगा तो जाहिर है वो किसी एक सिंगल रो या किसी एक सिंगल कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा. फॉर एग्जांपल वो इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी इस पूरी रो, इस पूरे कॉलम से या इस पूरी रो से मल्टीप्लाई हो सकता है, वी कैन डू दैट. लेकिन जो डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिटर्मिनेंट टू टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएगा. यानी अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूं विदाउट मल्टीप्लाइंग विद टू, यानी किसी कॉलम या किसी रो को टू के साथ मल्टीप्लाई बगैर मगर इसका डिटर्मिनेंट लूं और टू के साथ मल्टीप्लाई करने से डिटर्मिनेंट लूं, तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो टू टाइम्स इन, यानी टू टाइम्स हो जाएगा उस गिवन मैट्रिक्स से. इसी तरह से अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल इस कॉलम की एंट्रीज को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के इस कॉलम में एंटर करता हूं, यानी इस कॉलम में एड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो उससे डिटर्मिनेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है. इसी तरह से अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं जो टू है, यानी जैसे ये मिडिल कॉलम है मेरे पास, यानी 1, 4, 7 स्टेज एज इट इज, 1, 2 को लिख सकता हूं मैं 1+1, 5 को लिख लू 2+3 और 8 को लिख लू 5+3. तो आप देखें जो एक एंट्री थी उसको मैंने सम ऑफ या सम या डिफरेंस ऑफ टू एंट्रीज लिख लिया, तो इससे ये इक्वल हो जाएगा टू डिटर्मिनेंट ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिसेस, यानी 1, 4, 7, 1, 2, 5 एंड देन 3, 6, 9 प्लस एक अनदर मैट्रिक्स जिसमें सब कुछ यही रहेगा लेकिन जो सेकंड जो मिडिल एंड मिडिल कॉलम होगा मैट्रिक्स का वो ये हो जाएगा. ये कुछ हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है. इसी तरह से अगर आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वुड स्टे एज इट इज, ठीक है. इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी देख लें, वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे 2, 4, 6, 3, 0 एंड 7 लेट्स से, और बाकी ये एंट्री जो है वो क्या है, जीरो है. तो अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास और इसका मुझे डिटर्मिनेंट लेना पड़ रहा है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट लेना पड़ रहा है, अब चूंकि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें जो ट्रायंगल बन रही है वो अपर साइड पे बन रही है, ये आप देख सकते हैं. अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ उसकी डायगनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है. वो क्या होता है, सिर्फ उसकी डायगनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट. तो ये कुछ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी. अभी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को. अभी बात करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर. क्वेश्चन हमारे पास जी एमसीक्यू है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन माइनर ऑफ ए टू वन इज इक्वल टू दिस, यानी ए टू वन का माइनर क्या होगा. अब इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि व्हाट इज माइनर.
ए टू वन के माइनर का मतलब है कि अगर हम ए टू वन की पोजीशन देखें और हम सपोज करें कि इसमें जो ये जिस कॉलम में ये लाई करता है हम उसको छोड़ दें, और जिस रो में लाई करता है हम उसको भी छोड़ दें, यानी उसको भी हम छोड़ दें, यानी उसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है, बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं, ठीक है, उनका जो डिटरमिनेंट है दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ ए टू वन, दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ ए टू वन। अब इसका मतलब है अगर ये डिटरमिनेंट की बात हो रही है तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ना हमारे पास ये एमसीक्यू यानी ये ऑप्शन हो सकती है, नहीं ऑप्शन हो सकती है। व्हाई? बिकॉज ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है और ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि माइनर जो होता है वो डिटरमिनेंट होता है। इसका मतलब है नाउ यू हैव टू सी के सी और डी में हमारे पास क्या ऑप्शन है। अब अगर आप देखें तो ए वन टू, ए वन थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए वन टू, ए वन थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। जबकि ये क्या है, ए वन वन, ए वन वन तो ऑब्वियसली उसी रो में उसी कॉलम में लाई करता है जिस कॉलम में हम जिस कॉलम में एंट्री का हम माइनर ले रहे हैं। इसका मतलब है दिस इज रॉन्ग। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, जो कि माइनर ऑफ ए टू वन है। इस तरह से अगर आप मुझे माइनर ऑफ ए थ्री टू फाइंड आउट करना हो तो मैं ये रो छोड़ दूंगा जिस रो में ये लाई करता है और ये कॉलम छोड़ दूंगा, तो डिटरमिनेंट ले लूंगा ए वन वन, ए वन थ्री और ए टू वन और ए टू थ्री का। दिस इज वॉट वी मीन बाय माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। अब व्हाट इज को फैक्टर, को फैक्टर क्या होता है, देखें हम अगर माइनर ऑफ एन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा दें उसी, यानी यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं, बल्कि हम यहां पे इसको लिखे रहने देते हैं बजाय कि हम एक और एग्जांपल लें और टाइम सेव करते हैं, हम अपना इस गिवन इसी गिवन जो क्वेश्चन है हमारे पास उसी में हम देखते हैं कि अगर मुझे फाइंड आउट करना हो व्हाट इज द को फैक्टर ऑफ ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता है ए टू टू, व्हाट इज द को फैक्टर ऑफ ए टू टू, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो ए टू टू पे नंबर होगा, ए टू टू पे नंबर होगा, दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन की पावर नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ रोज एम प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, एंड देन डेटा एंड देन माइनर, देन माइनर ऑफ द गिवन जो हमारे पास जो भी एलिमेंट है। जैसे अब इसका मतलब इस रो को छोड़ देंगे हम और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो बन जाएगा ए वन वन, ए वन थ्री, जबकि ए थ्री वन और ए थ्री थ्री, सो ए टू टू की ये पोजीशन है। इसका मतलब है अब ए टू टू की पोजीशन क्या है, टू प्लस टू, तो दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस वन की पावर टू प्लस टू, जो कि क्या होती है फोर, और नेगेटिव की पावर इवन हो दिस इज पॉजिटिव। इसका मतलब है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट पॉजिटिव आंसर। इसका मतलब है को फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए टू टू को फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वन वन, यानी दिस का दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, ए वन वन, ए थ्री थ्री माइनस ए वन थ्री, ए थ्री वन। अगर आप नंबर्स के साथ डील करें तो ऑब्वियसली हमारे आपके पास पॉजिटिव, यानी इसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है, यहां से नेगेटिव आ जाए तो आ जाए लेकिन इसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है। सो मीन ए वन वन, इसमें माइनस वन की पावर वन प्लस वन पॉजिटिव, माइनस वन की पावर वन प्लस टू जो कि थ्री होती है ऑड होती है नेगेटिव, फिर दिस बिकम पॉजिटिव, फिर दिस बिकम नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन अगेन पॉजिटिव। तो दीज आर कॉल को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। एंड वॉट इज इनवर्स ऑफ ए मेट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मेट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहली बात है कि इनवर्स द पॉसिबल, इनवर्स ऑफ ए मेट्रिक्स होता है कि अगर हम एक मैट्रिक्स में यानी थ्री बाय थ्री ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, थ्री बाय या थ्री थ्री क्रॉस थ्री का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम उसके तमाम को फैक्टर जो है को फैक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं, इन तमाम को फैक्टर्स ए वन वन भी फाइंड आउट करते हैं, ए वन टू भी फाइंड आउट करते हैं, ए वन थ्री भी फाइंड आउट करते हैं, ए टू वन भी फाइंड आउट करते हैं, ए टू टू भी फाइंड आउट करते हैं, ए टू थ्री भी फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह ए ए टू थ्री एंड देन ए थ्री वन, ए थ्री टू एंड देन ए थ्री थ्री भी हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये तमाम इसके को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अगर इन तमाम को फैक्टर्स को जिनको हमने ब्रैकेट में लिख रखा है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो ये चीज मेरे पास बन जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ व्हाट इज इनवर्स, यानी इनवर्स क्या होता है, अगर मुझे गिवन मैट्रिक्स का ए इनवर्स यानी इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ,
डिवाइड करना पड़ेगा ए डिटर्मिनेंट के साथ, प्रोवाइडेड दैट के ए डिटर्मिनेंट एक जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो. यानी अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर इसका इन्वर्स पॉसिबल है. और इसका इन्वर्स कैसे होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट. वेयर एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो तमाम उस मैट्रिक्स के तमाम को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और उनका ट्रांसपोज लेंगे विल गेट एडजॉइंट. डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट के साथ विल गेट इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड अगर हमारे पास एमसीक्यू आएगा तो वो होगा सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x-3y+2z-3=0 एंड दिस इक्वेशन एंड देन दिस इक्वेशन. वो क्या है, ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी है. अब यहां पे जो बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो क्या है कि एग्जामिनर अगेन आपको डॉज करने के लिए, आपका टाइम जो है वो जाया करने के लिए है, या आपको टेस्ट करने के लिए वो लिख देगा कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स सॉल्व यूजिंग मैट्रिसेस. अब देखिए मैट्रिसेस को सॉल्व करने में आपके एमसीक्यूज में आपका सॉल्यूशन नहीं देखा जाता, एमसीक्यू में आपका आंसर देखा जाता है. आप सॉल्यूशन आप जो मर्जी करें, वो आपको पजल करने के लिए अगर कह रहा है कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स यूजिंग मैट्रिसेस, तो आप अगर मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके ये सॉल्व करने बैठ गए तो बिलीव मी कि आप पूरे एमसीक्यूज में से यानी पूरे टाइम में शायद यही एमसीक्यू कर पाए. बिकॉज अगर आप इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे फिर इसके कोफैक्टर लेंगे, इवन के क्रामर रूल से भी करेंगे, स्टिल इट्स गोना टेक यू लॉट ऑफ टाइम. तो आई ऑलवेज एनकरेज रिवर्स इंजीनियरिंग. ठीक है, वो क्या है कि आपके पास गिवन जो आंसर्स हैं भाई उनको इनके अंदर पुट करें, बिकॉज आप सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करें. बेशक लिखा हो बाय यूजिंग मैट्रिसेस या यूजिंग क्रामर रूल, आपका सॉल्यूशन जो है वो नहीं टेस्ट हो रहा. तो अब लेट सपोज मैं वन बाय वन पिक करता हूं, आई पिक द इजिएस्ट इक्वेशन, और भी आसान कर दूं आपके लिए. इजिएस्ट इक्वेशन x+y-3z-13=0, पिक दिस वन. x क्या है, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. मैंने पुट किया 1-1 तो ये तो हो गया 0. -3 × z, 3 × 0, -13 इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब है ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज जो भी सोल्यूशन सेट होगा वो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता होगा. मैंने सिर्फ एक सिंपल सी इक्वेशन ले ली, इसको मैं टेस्ट करूंगा ऑल पॉइंट्स के लिए. इसके लिए टेस्ट करते हैं, देखें 4+3-3 × 2-13=0. चेक करते हैं क्या वाकई ऐसा है. 4+3 इज 7, ठीक है. 7-6 कितना होता है, बल्कि यहां पे क्या था, -2 है, तो ये -2 इसकी बना देगा प्लस. तो 7+6 इज 13, 13-13=0. इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है. हो सकता है एक और इक्वेशन भी कर रही हो, आप टेस्टिंग कर सकते हैं. अगर ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, इसका मतलब है फॉर श्योर ये आंसर है. ठीक है, तो -3 -3+0 -3 × 5 -3 -15, नहीं, दिस कैन बी द आंसर. इसको देख लें, 2+10 और ये बनता है, और ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज 43 इज अ बिग नंबर. तो मल्टीप्लाई होगा z के साथ, ये बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर देगा जो कि हमें इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के लिए नहीं दे सकता. सो द बेस्ट ऑप्शन इज बी. अब देखिए मैंने कोई मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज यूज नहीं की, स्ट्रेट अवे मैंने लिख दिया कि मेरे पास जो है बी विल बी द आंसर बाय रिवर्स इंजीनियरिंग. मैंने टाइम भी सेव किया, मैंने स्मार्टली प्ले किया और मैंने इसको अटेम्प्ट कर लिया. हाँ, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसको हम मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्जन मेथड बोलते हैं, उसके थ्रू अगर हम करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं. ठीक है, वो क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी में वो कह रहा है इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी. तो फिर बताएं कि बी इज इक्वल टू सी ओवर ए होगा, या बी इज इक्वल टू सी ए इनवर्स होगा, या हमारे पास बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी होगा, या नन होगा. अब इस तरह के ऑप्शन में अगर आप देखें तो फर्दर उसने आंसर दिए होंगे कि मतलब ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, या टू एंड थ्री आर करेक्ट, या हमारे पास सिर्फ जो फोर्थ ऑप्शन है फोर इज करेक्ट. अब देखिए बी अगर इस तरफ है तो ए इस तरफ प्लस वन में है, इस तरफ जाके -1 में हो जाएगा, तो बी हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स सी. अब इसमें देखें विच वन इज दिस, ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, बी इज इक्वल टू सी ओवर ए जो कि बन जाएगा सी, अगर ए को ऊपर लेके जाएंगे तो सी इंटू ए इनवर्स बनेगा. ठीक है, अब ए इनवर्स सी और सी ओवर ए इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, तो आई वुड गो फॉर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी इज द
राइट आंसर. ठीक है, तो मैं आई विल प्रोबेबली गो फॉर ऑप्शन सी, ऑप्शन थ्री. तो ये मेरे पास ऑप्शन है, ये मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर का फाइनल आंसर हो जाएगा. अब लेट्स से अगर हमारे पास यूं क्वेश्चन आ जाए, यूं या बल्कि हम जस्ट एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि हमारे पास जो जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इधर बाय क्रैमर्स रूल या बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, हम जिस मेथड से मर्जी करें हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल भी हो सकता है और नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है. ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा और नॉन ट्रिवियल भी होगा. ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. अब ट्रिवियल से क्या मुराद है, अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यानी अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वेरिएबल्स यूज होंगे, यानी अगर तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उस इक्वेशन के अंदर, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर थ्री वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं और हमारे पास जो रैंक आया वो भी थ्री आया, ठीक है, इसका मतलब है सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा. ठीक है, सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, हमारे पास एक सिंगल सोल्यूशन आ जाएगा. लेकिन अगर नॉन ट्रिवियल होगा वो कब हो सकता है, जब हमारे पास जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा वो लेसर देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज, यानी अगर वेरिएबल तीन यूज हुए हैं और रैंक टू है या वन है तो उसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा. उसमें हमारे पास जो है इनफिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, उस केस में उसको बोलेंगे द सोल्यूशन इज क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, यानी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या कहलाएगा हमारे पास, कॉल्ड कंसिस्टेंट सोल्यूशन. तो उस केस में हम जो एक थर्ड वेरिएबल यानी एक अनदर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा के वहां पे हम फर्दर सोल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे.